लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके अलावा शहर में लोगों ने स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। इसके अलावा लुधियाना की 19 वर्षीय लड़की जानवी बैल द्वारा देश का सबसे बड़ा 35x25 फीट का तिरंगा लुधियाना जगराओं पुल बनी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा के आगे लहराया गया। यह झंडा 300 फुट की ऊंचाई पर लहराते हुए दिख रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला। ये राष्ट्रीय ध्वज जो आज लुधियाना में जगराओं पुल पर फहराया गया है वो उसकी वो 35x25 उसकी जो है मेजरमेंट है, और ये हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा है। और ये एक तरह से स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने ये फहराया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी की प्रतिमा के आगे हमने फहराया, क्योंकि ये एक मैसेज देने के लिए सभी देशवासियों को कि आज अगर हम दिवस मना रहे हैं वो उनकी देन है, और आज उनको ही शहादत का, शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो मेरी यही अपील है और आगे भी मैं यही काम करने वाली हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द शहादत का दर्जा जो है वो उन्हें दिया जाए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर और से लेकर कन्याकुमारी तक अब हम एक हो चुके हैं, 370 धारा जो है वो टूट चुकी है। तो सही मायनों में आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और मैं लोगों से भी यही अपील करना चाहती हूँ कि इसकी जो आन बान शान है, जो हमारे सोल्जर्स ने आज तक बनाकर रखी है इज्जत मान सम्मान, उसको बनाए रखें और दिल में एक रिस्पेक्ट अपने अंदर जगाए रखें। यूथ से भी मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल यूथ का जो है इस पेट्रियाटिज़म की तरफ वो कम जा रहे हैं, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज आप जिस देश में हैं, जिस देश ने आपको इस इतना काबिल बनाया है, वो इसी देश ने बनाया है, तो आप उसका सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। We'll be right back.